मैंने ये एक आलू लिया है। आलू को मैंने अच्छे से छिलका उतार के पानी में भिगो के रख दिया ताकि आलू हमारा बिल्कुल भी काला ना पड़े। इसका पूरा पानी आप निकाल दीजिए, उसके बाद हम आलू को ग्रेट करेंगे। हमें आलू बहुत सारा नहीं लगेगा, बिल्कुल थोड़ा सा ही हमें लेना है। इतना आलू ले रही हूँ। आलू को इस तरह से आप हाथ में ले लीजिए और इसका जूस निकाल लीजिए। इस रेमेडी को जब भी आप यूज करें तुरंत ही इसका आलू का आप जूस निकालिए। इतना आलू का जूस हमें काफी है, फेस पे एक फेस पे लगाने के लिए काफी रहेगा। एक चम्मच हमारा जूस है, इसी के अंदर एक चम्मच ये शहद मिला रही है। शहद को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। आलू जो है हमारा कलर जो है फेयर करता है। इसके अलावा जो हमारे स्किन पे निशान रह जाते हैं या फिर आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स रहते हैं उसे भी अच्छे से रिमूव कर देता है। एक बार के यूज़ करने में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं मिलता, आपको इसे हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करना रहेगा, उससे ही आपको रिजल्ट जो है इसका बेस्ट मिलता है। इसके अलावा मैंने एक चम्मच कॉफ़ी पाउडर लिया, कॉफ़ी आप कोई सी भी ले सकते हैं। इसी के अंदर मैं आधा छोटे चम्मच बेसन मिला रही हूँ, बस हम आधा ही चम्मच डालेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे ना ही हमें एकदम गाढ़ा बनाना है ना ही एकदम लिक्विड बनाना है। इस तरह से थोड़ा सा लिक्विड टाइप का थोड़ा सा रखा है ताकि स्किन के अंदर इजीली हमारा चला जाए। इसे आप एक जैसा अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आज ये पिक मैं आपको हाथ पे यूज करके बता रही हूँ कि इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। इसे हल्का सा रगड़ते हुए आप अपने पूरे हाथ पे इसे अच्छे से लगा लीजिए। जिस तरह से मैं हाथ पे लगा के दिखा रही हूँ आप इसे अपने फेस पे लगाइए, ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। वही चीज़ें ली हैं जो हम खाते हैं। देखिए इस तरह से रगड़ने से इसका जो कलर है बिल्कुल गोल्डन जैसा हो गया है। अगर आपको धूप की वजह से सन टैन हो जाता है वो भी इससे काफी जल्दी रिमूव हो जाता है। अच्छे से इसे रगड़ते हुए आपको डायरेक्शन फेस पे हमेशा ऊपर की तरफ ले जाना है आपको। इस तरह से ऊपर की तरफ, जैसे ये हाथ है मेरा, मैं हाथ में इस तरह से ऊपर ले जा रही हूँ, फेस पे भी आपको ऊपर ले जाते हुए इसे अप्लाई करना है। आंखों के आसपास लगाना, लेकिन आंखों का जो ऊपर का आईब्रो का पार्ट रहता है वहां पर आपको इसे नहीं लगाना है। बस ये देखिए अब मेरा स्किन जो है पूरे अच्छे से टाइट होने लगी है, हाथ मेरा जो थोड़ा सा टाइट चलने लगा है। बस हमें इतना ही इसे रगड़ना है। इसे अब हम सूखने देते हैं, सूखने के बाद इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे इसे लगा के रखे हुए 10 मिनट का समय हो चुका है। ये देखिए इस तरह से थोड़ा चिपचिप कर रहा है ये, और ये ऊपर से एकदम अच्छे से ड्राई हो गया। ड्राई पूरी तरह से नहीं होगा, इस तरह से आप छुएंगे थोड़ा सा चिपचिपा लगेगा। ये देखिए ये सूख जाता है तो इस तरह से ये निकलने लगता है। इसे आपको कम से कम सुखाने में 10 से 12 मिनट का समय लगेगा। इसे मैं आपको धोकर दिखाती हूँ कि मेरे हाथ में कितना इफेक्ट आया है। ये देखिए हाथ पे बिल्कुल एकदम वाइट हो जाता है हाथ। इस तरह से आप अपने फेस पे लगाएंगे तो आपका फेस भी शाइन एंड ग्लो करेगा। ये देखिए बिल्कुल भी कहीं कोई निशान नहीं दिख रहा है, बिल्कुल स्किन एकदम साफ हो गई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।